एक ऐसा स्टॉक मार्केट का ट्रेडर जिसने ट्रेडिंग जगत में एक नहीं दो नहीं करोड़ों लोगों को इंस्पायर किया। एक ऐसा ट्रेडर जो दुनिया की जितनी बड़ी हेज फंड मैनेजर्स हैं, जो दुनिया के जितने बड़े फंड मैनेजर्स हैं, दुनिया के जितने बड़े ट्रेडर्स हैं, हर कोई इस शख्स को फॉलो करता है। एक ऐसा शख्स जिसकी लाइफ पूरी तरीके से रोलर कोस्टर की तरह रही है, जहां पर काफी सारे अप्स एंड डाउन्स रहे। मैं बात कर रहा हूं जेसी लिवरमोर की। आज की इस वीडियो में मैं डिटेल में आप लोगों को बताने वाला हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा जो ट्रेडर रह चुका है, जिसने आज के समय के हिसाब से इंडिविजुअल ट्रेडिंग प्रॉफिट्स इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के हिसाब से $2 बिलियन कमाए थे, उसकी जीवन कैसे रह चुकी है, उसने क्या किया है, क्या नहीं किया है, क्या गलतियां की हैं, उसकी पूरी लाइफ जर्नी को हम समझने की कोशिश करेंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से केवल एक ही एसेट क्लास में जब कोई व्यक्ति पूरा का पूरा पैसा लगा देता तो कितना ज्यादा रिस्की हो जाता। हम समझेंगे किस प्रकार के साइकोलॉजिकल ट्रॉमा एक ट्रेडर गो थ्रू करता है इन हिज एंटायर करियर। हम समझने की कोशिश करेंगे किस प्रकार के अप्स एंड डाउन्स एक ट्रेडर की जर्नी में आता है। तो सीधे चलते हैं नवंबर 27, 1940। एक शख्स बैठा है अपनी वाइफ के साथ एक बढ़िया से रेस्टोरेंट में। वहां पर वो बढ़िया खा रहा है स्पेगेटी, और उसके साथ साथ उसकी वाइफ के साथ वो काफी चर्चा कर रहे हैं। उसकी वाइफ ज्यादा बोल रही है और वो बहुत कम वर्ड्स बोल रहा है, और यूजुअली ऐसा ही होता है, पति लोग थोड़ा कम बोलते हैं, बीवियां ज्यादा बोलती है, उनका डिपार्टमेंट है। लेकिन तभी अचानक से एक फोटोग्राफर वहां पर आता है। वो कहता है, सर आप बहुत ही फेमस इंसान हो, मैं तो आपको जानता हूं, मैं आपकी तस्वीर खींचना चाहता हूं, इस पे क्या आप मुझे परमिशन देंगे? जिस पे वो कहता है कि ले लो यार, वैसे भी इसके बाद में एक बहुत लंबी छुट्टी में जाने वाला हूं, तो ले लो। इस समय पर उनकी वाइफ और उनको किसी को भी नहीं पता था, ना वो फोटोग्राफर को, कि इसका क्या तात्पर्य है। लेकिन ठीक इसके अगले दिन यही शख्स एक होटल में मृत पाया गया, डेड पाया गया, बिकॉज इसने बंदूक से अपने सर पे गोली मारी थी। और ये कोई और नहीं, ये वर्ल्ड फेमस ट्रेडर जेसी लिवरमोर था। जब 15 इयर्स के थे बॉस्टन में, ये अर्न करते थे अपनी लिविंग बाय डे ट्रेडिंग। ये डे ट्रेडिंग करने की कोशिश करते थे, और एक ऐसे व्यक्ति हैं जो 20 साल की उम्र में इंडियन INR के हिसाब से 2 करोड़ रुपए कमा चुके थे, अगर इन्फ्लेशन को एडजस्ट करो। याद रखिए, केवल 20 की एज में 2 करोड़ कमा चुके थे। लेकिन कैसे, कौन है ये वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, कौन है जिसको लोन वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट कहा जाता है? जेसी लिवरमोर 1877 में मैसाचुसेट्स में पैदा हुए थे। मैंने इनका घर कोई बहुत ज्यादा आलिशान नहीं था, इनके फादर फार्मर थे और मॉम हाउसमेकर थी, और कहीं ना कहीं काफी गरीबी से जूझ रहे थे। तो स्वाभाविक से बात है, जब आप एक गरीब खानदान में पैदा होते हो तो आपके घर वाले चाहते हैं कि पढ़ाई जितनी हो सके उतनी जल्दी खत्म करो और जल्द से जल्द अपने पिताजी को ज्वाइन करो। और याद रखें, हम बात करें 1877, तो इस समय पे बहुत ज्यादा प्रोफेशनल इंसेंटिव्स नहीं थे। तो कहीं ना कहीं जेसी लिवरमोर के पिताजी भी चाहते थे कि बंदा काम करे और उसके बाद आए खेती में, मेरा हाथ बटाए। और इसी के चक्कर में जेसी लिवरमोर ने डिसाइड किया कि ये करते हैं। बट कहीं ना कहीं जेसी लिवरमोर का मन वहां पे नहीं लगने वाला था। याद रखिए, ये वही व्यक्ति है जिसने 5 साल की उम्र में फाइनेंशियल पेपर्स पढ़ना शुरू कर दिया था। कमेंट्स में आप लोग बताइए, आपने किस एज में फाइनेंशियल न्यूज़पेपर या इकोनॉमिक बेस्ड न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया था, एज जरूर लिखिएगा। 3 साल की उम्र में इनका माइंडसेट इतना शार्प था कि अरिथमेटिक सम्स अपने से 3 गुना ऊपर क्लास वालों के सॉल्व करना शुरू किए थे। मैथमेटिकल माइंड था, एनालिटिकल माइंड था, बट एजुकेशन से ज्यादा इनको पैसे कमाने की लत थी कि कितने जल्दी मैं इस गरीबी से निकलूं। इनके पिताजी ने कहा कि एजुकेशन छोड़ दे, फार्मिंग में ज्वाइन कर, लेकिन इनकी माता जी काफी ज्यादा समझदार थी, तो इनकी माता जी ने इनको दिए $100 और कहा कि बॉस तू यहां से निकल जा यहां से, अदरवाइज तेरे पिताजी तुझे फार्मिंग में लगा देंगे, और इसको लेके तू निकल, इस गाड़ी में बैठ और जाके, तेरी मैंने नौकरी की बात करी, वहां पर जाके तू नौकरी कर। उनकी माताजी को शायद ये नहीं पता था कि ये होनहार बच्चे का नौकरी करने का मूड नहीं था। बस जहां पे जाने वाले थे उसके पहले रुकवा दिया एक जगह पे, जो कि एक ब्रोकर की दुकान थी, पहले ही इन्होंने उधर बात कर ली थी, और वहां पर ये एज अ चौक बॉय प्लंजर के नाम पे काम करने वाले थे। इसका मतलब क्या होता था कि उस समय पे जितने भी स्पेक्यूलेशन होते थे, जितने भी स्टॉक मार्केट की चीजें होती थी, वो ब्लैक बोर्ड पे लिखे जाते थे। अगर आपने स्कैम 92 सीरीज देखी तो वहां पे देखा होगा, ब्लैक बोर्ड पे सारे प्राइसेस लिखे जाते थे। उसी प्रकार से जो बंदा ये सब लिखने वाला था वो बन रहा था जेसी लिवरमोर। अपनी बाली सी उम्र में, 15 साल की उम्र में, उसने सोचा कि चलिए ये शुरुआत की जाए ताकि मैं मैथ्स और अपने पैशन के एकदम करीब रह सकूं।
यहीं पर इनका इंट्रोडक्शन होता है बकेट शॉप से। बकेट शॉप्स आज के जमाने का हम डब्बा ट्रेडिंग कह सकते हैं। यहां पर इनफॉर्मली काफी ज्यादा ट्रेडिंग होती थी, और ये जब चौक में इतने टाइम तक लिख रहे थे तब इन्होंने यहां पर एक पैटर्न रिकॉग्नाइज किया, जिसको आज के समय पर हम टेक्निकल एनालिसिस कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्राइस एक एक्शन, एक हिस्टोरिकल एविडेंस छोड़ के जाता है, और कहीं ना कहीं उनका इंटरेस्ट इस चीज पे बन गया कि यार किसी तरीके से अगर मैंने इन प्राइस को सही समय पे सही तरीके से कैप्चर कर लिया तो मैं अच्छा खासा पैसा कमा सकता हूं। दैट इज प्रिसाइसली व्हाट ही वाज ट्राइंग टू डू। जैसे ये वो 20 के हुए, इनका एक ट्रेडिंग सिस्टम बना, अच्छा खासा बकेट शॉप से ये पैसा कमाने लग गए। इतना पैसा कमाने लग गए कि बकेट शॉप को आप मान लीजिए कसीनो, और कसीनोस कभी नहीं चाहते कि वो हारे, वो चाहते कि उधर आने वाला व्यक्ति हारे, लेकिन यहां पर ये हर कसीनो को बीट करके पैसे पे पैसा, अंधा पैसा बना रहे थे। इतना पैसा बनाने लग गए कि वहां के सारे बकेट शॉप्स ने इनको बैन कर दिया। उन्होंने बोला बेटा अब तुम यहां पर आके काम नहीं कर सकते हो, बिकॉज बड़ा प्रॉब्लम है। 20 साल की उम्र में इसने सोचा कि यार चलो अब कुछ बड़ा करना चाहिए, और इसीलिए इन्होंने अपना ड्रीम्स बड़ा किया और ये आ गए न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में आते ही इनको मिल गई एक प्रेमिका, नेटी नाम की, NETIE नाम की एक लड़की मिली, जिसके प्यार में ये बावले हो गए। उससे शादी भी कर ली और उसको बहुत सारे गहने भी गिफ्ट करे जो भी इनने वेडिंग के समय पे गिफ्ट किए बिकॉज ऑफ हिज प्रॉफिट्स इन द बकेट शॉप। लेकिन उसके बाद एक बहुत बड़ी चीज हुई, इनको लगा था कि शेयर मार्केट भी सेम बकेट शॉप की तरह चलेगा, लेकिन इनके साथ काफी प्रॉब्लम होने लगे। फॉर एग्जाम्पल, शेयर मार्केट का जो टेप था वो कभी कभार एक एक घंटे तक उस समय पे लैग होता था। इसके चक्कर में इनके ट्रेड्स काफी स्लो एग्जीक्यूट हो रहे थे, पोजिशन को ये सही से संभाल नहीं पा रहे थे, इक्विटी को ये अच्छे से समझ नहीं पा रहे थे, और ये भूल गए थे कि इक्विटी में एक रिस्क भी होता है। ये भूल जा रहे थे कि इनको लॉसेस जल्दी काटना है। लॉसेस इतने बढ़ने लग गए कि इन्हें अपनी बीवी के जो ज्वेलरीज जो उन्होंने खुद ने कुछ समय पहले ही गिफ्ट करी थी उनको वापस लेके बेचना पड़ा ताकि ये पूरा पैसा बना सके। इनका सब कुछ बिक गया, और एट द एंड बिकॉज मार्केट में इनके प्रेडिक्शंस गलत होने लग गए, ओपिनियंस गलत होने लग गए, और इक्विटी काफी रिस्की होता है, इसके चक्कर में इनका भारी भारी नुकसान हो गया। काफी हताश थे, काफी निराश थे, लेकिन इसके बाद उन्होंने क्या किया वो तो मैं बताऊंगा। लेकिन क्या आपने सोचा है, स्टोरी को आगे बढ़ाने से पहले क्या आप लोगों ने सोचा है कि अगर जैसे लिवरमोर ने अपने पूरे पोर्टफोलियो को अच्छे से डाइवर्सिफाई किया होता और वो केवल एक इक्विटी पे निवेश नहीं करते तो शायद इस प्रॉब्लम में नहीं फंसते। इसके आगे तो और भी बड़े कारनामे होंगे, लेकिन अगर आप लोग भी परेशान हैं कि किस प्रकार से हम अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकें, तो मैं आप लोगों को एक अच्छा विकल्प बताता हूं कि डाइवर्सिफिकेशन के लिए आप P2P इन्वेस्टिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट से ये ज्यादा रिटर्न देते हैं और रिस्क भी रिलेटिवली कम है। लेकिन P2P होता क्या है एग्जैक्टली? वेल, P2P में एक लेंडर और बोरोवर कनेक्ट होते हैं। एक बार जैसे ही आप इधर इन्वेस्ट करते हैं, आपका पैसा छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके बोरोवर्स को लोन दे दिया जाता है ताकि आपका रिस्क भी डिवाइड हो जाए। बस इंश्योर करना रहता है आपको कि आप जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू इन्वेस्ट करें वो काफी ज्यादा ट्रस्टेड हो। फॉर एग्जाम्पल, पावर अप बाय यूनी, जिसने की पार्टनर किया है इंडियाज लार्जेस्ट RBI रेगुलेटेड NBFC, यहां पर ये केवल यही चीज नहीं देखते, आपको एक सेफ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। सिर्फ मिनिमम सीबिल स्कोर 700 और अच्छी बैंकिंग हिस्ट्री हो उन्हीं तरीके के लोगों को ये लोन देने की कोशिश करती है, तो रिस्क आपका काफी कम होता है। 25,000 से ज्यादा इन्वेस्टर्स, 400 करोड़ से ज्यादा यहां पर इन्वेस्ट कर चुके हैं। पावर अप की बात करूं, आज तक उन्होंने जो भी प्रॉमिस किया हमेशा अपने प्रॉमिस्ड रिटर्न ही लोगों को मिले है, यानी कि 100% परफॉर्मेंस है। आप अपनी पावर अप P2P जर्नी शुरू कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपीज में। फ्लेक्सी प्लान की अगर मैं बात करूं, जिसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता है, 9% रिटर्न भी मिलता है, और मैक्स प्लान है 3, 6, 12 मंथ्स के, जहां पर कि आपको हायर रिटर्न्स मिलते हैं। बेस्ट पार्ट, अभी एक ऑफर चल रहा है, आपके फर्स्ट पावर अप इन्वेस्टमेंट पर आपको फ्लैट 250 रुपीज मिलेंगे अपने बैंक अकाउंट में, और मैक्स प्लान्स में कैशबैक डबल हो जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कीजिए, और चलते हैं वापस अपनी स्टोरी की तरफ। So, जैसे लिवरमोर को समझ में आने लग गया था कि बॉस अपनी दाल गल नहीं रही और कहीं ना कहीं शेयर बाजार में प्रॉब्लम हो रहा है, इनके लॉसेस बहुत लंबे होल्ड कर रहे हैं, प्रॉफिट्स को जल्दी काट दे रहे हैं, और इसके साथ इनको एक बुरी लत लग गई थी। बिकॉज जब ये स्टार्टिंग में पैसे कमाने लग गए थे तो ये काफी एलीट क्लास लिविंग रहने लग गए थे, जो बोलते ना अय्याश तरीके की जिंदगी रहने लग गए थे। बहुत पैसा उड़ा रहे हैं, अय्याश जीवन चला रहे हैं, चिल मार रहे हैं, लड़कियां घुमा रहे हैं, बहुत सारी ज्वेलरी खरीद रहे हैं। इतना ही नहीं, ये बाद में पाम बीच फ्लोरिडा में जाकर, ये क्योंकि बहुत बड़े फिशिंग के फैन थे कि भैया मछलियां पकड़ने का इनको बड़ा शौक था, तो इन्होंने वहां पर जाके एक बहुत ही आलिशान बंगला भी ले लिया था। आप लोगों को कंटेक्स्ट के लिए बता दूं तो 26 कमरे थे, उसके बाद 8 रूम थे, लेकिन ये लिया कैसे था
ये जान के आपको हैरानी होगी। ये लिया ऐसा था कि इन्होंने एक ट्रेड से बहुत पैसा कमाया था, और वो ट्रेड था जब इन्होंने शॉर्ट सेल किया था यूनियन पैसिफिक को। वेल, यूनियन पैसिफिक उस समय का सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग स्टॉक था, ऐसा स्टॉक था जो स्टॉक मार्केट में कोई शॉर्ट नहीं करना चाहता था, हर बंदा लॉन्ग करना चाहता था। वेल, अगर आपके दिमाग में ऐसा कोई और स्टॉक भी आ रहा है कि भैया इस तरह का स्टॉक तो इंडियन मार्केट में भी अभी है, तो कमेंट्स में जरूर बताएगा। एंड बाय द वे, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं कर तो लाइक कीजिए, इससे प्रोत्साहन मिलता है। तो ये यूनियन पैसिफिक के स्टॉक को देख रहे थे और इन्होंने बोला भैया ये ओवरबॉट है। उस समय पे तो ये टर्म नहीं था टेक्निकल एनालिसिस वाला, लेकिन इनको समझ में आ गया कि ओवरबॉट है और ज्यादा दिन टिकेगा नहीं, तो इन्होंने सोचा कि भैया मैं इसको शॉर्ट करूंगा। इन्हीं का दोस्त जो यहां पर लॉन्ग था उसने बोला, अरे तू पागल है क्या, बुड़बक साले, यहां पर सारी चीजें ऊपर जा रही है और तू उसको सेल करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा नहीं होगा, ये स्टॉक और ऊपर जाएगा। लेकिन जैसी ने अपना माइंडसेट बना लिया था, जब पूरी दुनिया यहां पर लॉन्ग कर रही थी, जैसी ने यहां पर शॉर्ट बनाया, और आप जान के हैरान हो जाओगे इनके शॉर्ट इनके फेवर में ऐसे आ गए कि उसी समय पे न्यूज़पेपर में अखबार में खबर आई कि जहां पर यूनियन पैसिफिक सबसे ज्यादा धंधा करता है, बिजनेस करता है, वहीं पर बहुत ट्रैजिक अर्थक्वेक आ गया। अर्थक्वेक आने के चक्कर में कहीं ना कहीं हर कोई हिल गया, और इसी चक्कर में यहां पर मार्केट में एक फॉल आने लग गया। आप लोगों को मैं बता दूं कि इस ट्रेड से ही करीब करीब इन लोगों ने उस समय पे 8 करोड़ रुपए कमा लिए, और उस समय पे जो इन्हें बाकी शॉर्ट्स बनाए उससे टोटल 90 करोड़ रुपए। आप समझ रहे हैं, आज के वैल्यू के हिसाब से 1907 में यूनाइटेड कॉपर कंपनी में भी इन लोगों ने जब देखा कि भैया उधर बैंक रन हो गया है। बैंक रन क्या होता है, जब अचानक से आप बैंक्स को लेके मतलब बैंक्स में भगदौड़ मच जाती है, सब अपने डिपॉजिट्स निकालना शुरू करते हैं, जैसे कि हमारे देश में कुछ समय पहले प्राइवेट सेक्टर बैंक को लेके हुआ था, तो बैंक रन होने लग गया। तो 1907 के क्रैश में जब इन्हें 90 करोड़ कमाया, उसी समय पे उन्होंने ये बंगला जो मैंने आपको बताया, इतने सारे रूम्स, आलीशान बंगला लिया था। वेल, ये अपने शॉर्ट सेलिंग रोकने भी नहीं वाले थे, हो सकता था ये 90 करोड़ की जगह 900 करोड़ भी कमा लेते, लेकिन उस समय के लेजेंडरी फाइनेंसर JP Morgan, जिसके ऊपर हमने रिसेंटली एक वीडियो आज से एक दो हफ्ते पहले अपने चैनल पर बनाई है, देखी नहीं है तो जाके चेकआउट कीजिएगा। तो JP Morgan ने उस समय पे इनसे दरखास्त करी कि लिवरमोर भाई साहब, आप जिस तरह से शेयर बेच रहे हैं पूरी दुनिया कंगाल हो जाएगी, कृपया करके आपसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है, इस चीज को यहां से निकाल लो, तब जाके हमको शांति मिलेगी। तब जाके JP Morgan ने कहा चलो ठीक है यार, JP Morgan ने बोला है जैसे लिवरमोर, और उस समय पे ये सबके लिए फैन मूवमेंट था, अरे यार हमारे गुरुजी ने कह दिया है तो हम रोक देते। तो जैसे लिवरमोर ने तो रोका, अपने बाकी लोगों को भी रोका, इन लोगों ने अपने प्रॉफिट्स एंड कैश किए और कहीं ना कहीं मार्केट गिरना रुका था। जेएससी लिवरमोर इस बढ़िया से ट्रेड के बाद अपना बोट लिए, बोट लेके निकल गए और बढ़िया अपने आलिशान बंगले में चिल कर रहे थे। उसके बाद वेकेशन बनाने के बाद जब ये वापस आए, तो अब थोड़ा सा ईगो आ गया कि भैया मैं तो वो बंदा हूं, जब वॉल स्ट्रीट पे हर बंदा रो रहा था उस समय पर मैंने तगड़ा पैसा कमाया। और आप लोगों को जान के हैरानी हो जाएगी कि जब इन्होंने पैसा कमाया था उसके बाद ये घर आए थे, तो इनके घर आने के बाद इनकी वाइफ ने बोला, बड़े टेंशन में थी, रो रही थी, अरे यार अब क्या होगा, हम तो बर्बाद हो गए, ये हो गए। जैसे लिवरमोर सुन रहे हैं, बोले क्या बोल रही है, बोले अब तो हम बिल्कुल पागल हो जाएंगे, क्योंकि मेरी जो फ्रेंड है, उनकी जो बेस्ट फ्रेंड थी, उनका जो हस्बैंड था वो लॉन्ग था हर स्टॉक पे, तो उसने खिड़की से कूद के अपनी जान दे दी थी, काफी सारे ब्रोकर्स बैंकरप्ट हो गए थे। तो इनकी वाइफ को लग रहा था कि जैसे लिवरमोर के साथ भी सेम चीज होगी। तो जैसे लिवरमोर बोला, अरे थांबा, अरे सुन भाई, सुन कुड़िए सुन, उसके बाद बोला कि देख अपन बैंकरप्ट नहीं, उल्टा अपन वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल इन आर कंट्री हो चुके हैं। इनफैक्ट कंटेक्स के लिए बता दूं तो ये 1/10 ऑफ रॉकफेलर्स हो गए थे। बाय द वे, रॉकफेलर्स पे वीडियो चाहिए ना, चाहिए तो लाइक्स इस पे धनाधन करो और कमेंट्स में बता दो। तो इन लोगों ने फिर इनकी वाइफ भी खुश की भाई सही है, इनफैक्ट इन्होंने अपने वाइफ को एक ब्लैंक चेक दे दिया कि जा कुड़िए जो खरीदना खरीद, हम बहुत पैसे वाले हैं, ऐसे करके। वेकेशन से आने के बाद ये पूरा मतलब माजरा हो गया, चिल हो गया, मार्केट थोड़ा थम गया, तो इन्होंने बोला यार थोड़ा कमोडिटीज पे थोड़ा हम ध्यान देते हैं, क्योंकि जरूरी है कि हम कमोडिटीज से थोड़ा सा पैसा बना ले। तो थॉमस नाम का उस समय पे कॉटन का बहुत बड़ा ट्रेडर था, जिसका नाम बड़ा चलता था, उस समय का बड़ा फेमस ट्रेडर था। ऐसा माना जाता था कि यार थॉमस ऐसा बंदा ना, वो कोई भी कंसेप्ट लोगों को सेल कर सकता है, इमोशन सेल कर सकता है, और वो कहीं ना कहीं ये वर्डिक्ट सेल कर रहा था कि कॉटन के दाम पूरी तरीके से ऊपर जाने वाले। और जैसे लिवरमोर को पता था कि बंदा ये एक्सपर्ट है, तो जैसे लिवरमोर इनके इंटेंट के बेसिस पे कॉटन खरीदने लग गए।
अब अचानक से कॉटन के दाम गिरने लग गए धीरे 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 धीरे। लेकिन जैसे लिवरमोर ने अपने पोजीशंस नहीं काटे, रादर वो अपने पोजीशंस को और ऐड कर रहे थे। याद रखिए, ये वही वाले प्रॉब्लम है जिन्होंने स्टार्टिंग में करी थी। ये ऐड करते गए, ऐड करते गए, ऐड करते गए, टू द एक्सटेंट जब इनके सारे पैसे खत्म हो गए एंड ही हैड टू फाइल फॉर बैंक्रप्सी इन 1950। लाइफ में दूसरी बार जैसे लिवरमोर एक ऐसी जगह पे पहुंच गए हैं जहां अपनी ट्रेडिंग स्किल से उन्होंने बहुत पैसा तो कमाया, लेकिन उसके बाद वापस बैंकरप्सी के तरफ 1950 में फाइल कर चुके हैं। इस समय पे जैसे लिवरमोर को समझ में आया उनकी दो मिस्टेक्स। पहला, ईगो को लेके बैठा था कि भैया मैंने 90 करोड़ जब रातों रात कमाए हैं तो ये कौन सी चीज है, दैट इज नंबर वन। और दूसरी चीज, उनके अंदर एक बहुत बड़ा कंटेंटमेंट आ गया था कि भैया जेपी मोर्गन मेरे सामने आके हाथ जोड़ रहे हैं कि भैया रोक दो, तो मतलब मैं कितना बड़ा ट्रेडर हूँ। याद रखिए, एज अ ट्रेडर जब भी आप सोचते कि मुझसे बढ़िया कोई और नहीं, आई एम द बेस्ट, वहीं से आपका पतन शुरू होता है। दैट इज प्रिसाइसली व्हाट वाज हैपनिंग विद जेपी मोर्गन। और उसके बाद जेपी मोर्गन ने एक नई चीज सोची, उसी के बाद जैसे लिवरमोर ने एक नई चीज सोची। 6 हफ्ते तक मार्केट को बैठ के आराम से ऑब्जर्व कर रहे थे कि भाई इस बार मैं कोई जल्दी स्टेप्स नहीं लूंगा, अच्छे से ऑब्जर्व करूंगा मार्केट कहां जा रहा है, क्या कर रहा है, उसके बेसिस पर डिसाइड करूंगा। 6 हफ्ते तक वेट करने के बाद इनको एक नया मौका मिला और 1915 पे इन्होंने बेथम स्टील नाम की एक कंपनी में इन्वेस्ट करना शुरू किया। बड़ा चंक बोरोड मनी से लेना शुरू किया। लॉजिक सिंपल सा था, वर्ल्ड वॉर का समय चल रहा था और वर्ल्ड वॉर के समय पे स्टील के प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़ने वाले थे और इसी चक्कर में वो ढेर सारा यहां पर मेटल प्राइसेस के ऊपर खेलते खेलते ये चीज लेने लग गए। वेल, मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे लिवरमोर एक बार 1907 के बाद पैसे कमाने के बाद 1910 में बैंकरप्ट हुए थे। 1950 की उनकी लास्ट पर्सनल बैंकरप्सी थी, जिसके बारे में हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे। ये जब स्टील को बाय कर रहे थे तो अच्छे खासे इनने पैसे कमाए, जिसके थ्रू उन्होंने अपने क्रेडिटर्स को भी पे बैक कर दिया और वापस बैक टू द ट्रैक आ गया और इस बार वो बहुत ज़्यादा अंधा पैसा बनाने लग गए थे। अब तक इनकी जो पुरानी बीवी थी ये उनको छोड़ चुके थे, बिकॉज गहने वहने जब बेचे और उसके बाद थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी तो उसको छोड़ दिया था। तो इनको लगा था कि अगली वाइफ जो मेरी होगी वो काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होगी। तो 1918 में एक डॉर्थी नाम की लड़की से इनने शादी कर ली। इंटरेस्टिंगली इस समय तक ये भाई साहब जैसे लिवरमोर 40 के हो गए थे और ये डॉर्थी नाम की जो लड़की थी वो 18 साल की उम्र थी। ये हमें बॉलीवुड के एक कपल की भी याद दिलाती है जिनका भी ऐसे कुछ शादी हुआ था। एनीवेज, तो ये इस हिसाब से इन लोगों ने कर दिया। उसी के थ्रू उनको एक बच्चा भी हुआ। उसके बाद लॉन्ग आइलैंड में इनने बैंक बहुत बड़ा बंगला ले लिया, किंग्स पॉइंट करके नाम था वहाँ पे। तो उनने 29 रूम्स 12 बाथरूम, मतलब जो लैविश ट्रेडर लाइफस्टाइल होती है ना, जो इंस्टाग्राम पे देखते हो तो फर्जी है, जो रियल लाइफस्टाइल होती है वो ये जी रहे थे। अब ये देख रहे हैं, अब ये अपने लाइफ का एक बहुत बड़ा सौदा करने वाले हैं। उसके लिए अब इनने एक बड़ा सा ऑफिस ले लिया है, 50 ब्रोकर्स के साथ काम कर रहे हैं ताकि ये कहां पर अपने ट्रेड्स मार रहे हैं किसी को पता ना लगे, एग्जीक्यूशन में इनको प्रॉब्लम ना हो। बोर्ड बॉयज रख लिए जो चौक से लिखेंगे। तो उस तरह से काफ़ी ज़्यादा इनने करा और 1929 में धनाधन इनने शॉटिंग करी थी, जिसके चक्कर में इनने तगड़ा वाला पैसा कमा लिया था। लेकिन डॉर्थी कहीं ना कहीं खुश नहीं थी, वो मैन्युपुलेट भी कर रही थी, उसको ड्रिंकिंग की आदत लग गई थी। इसी के साथ साथ जैसे लिवरमोर की जो आदत थी, कभी डांसर्स के साथ घूम रहे, मल्टीपल अफेयर्स कर रहे हैं, दुनिया भर की चीजें कर रहे हैं, क्योंकि आलिशान पैसा हो गया ना, तो ये बहुत गलत चल रहा था। इनफैक्ट डॉर्थी का जो बेटा था वो भी काफी ज्यादा डिप्रेस हो रहा था और जैसे लिवरमोर भी इस समय तक डिप्रेस हो रहे थे कि घर पे बहुत माहौल खराब हो रहा था, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कोई किसी की नहीं सुन रहा है, दारू चल रही है, अय्याशी चल रही है। इनका बेटा इसलिए नहीं, बिकॉज इनके दो बेटे थे और दोनों बेटों को मैक्सिमम टाइम पे ये बोर्डिंग स्कूल में रखते थे। तो बोर्डिंग स्कूल में जाते वक्त ये बिल्कुल वो एनिमल वाला टाइप मूवी में नहीं होता, उस तरह के एग्रेसिव हो गए थे बच्चे पूरी तरीके से कि अरे मेरे पापा ने तो मुझ पर ध्यान ही नहीं दिया, इस तरह से पूरा दिमाग खराब हो रहा था उन लोगों का। और ऐसा किस्सा हो गया कि भैया एक दिन घर पे मम्मी पी हुई थी, बेटे ने भी थोड़ी सी चढ़ा दी, 14 इयर्स का बच्चा सोचो दारू पीने लग गया, इतना झगड़ा होगा कि बेटे ने भरी हुई रिवॉल्वर माँ को पकड़ा दी कि माँ तेरे को क्या लगता है, तू नशे में अपने आप को अब बड़ा तेज समझ रही है, अगर हिम्मत है तो गोली चला, गोली चला। और माँ ने नशे में एक्चुअल में गोली चला दी, 14 साल का बच्चा डेड।
इसके चक्कर में जेसी लिवरमोर का दिमाग और खराब, पूरी तरीके से माइंडसेट इतना बिगड़ने लग गया था, प्लस अब इंटरेस्ट नहीं बच रहा, पैशन नहीं बच रहा, गिर के उठने की क्षमता नहीं बच रही है। हैरियट के साथ रीमैरिज जो किया वो भी नहीं कर रहा, कोई भी चीज नहीं चल रही। इनफैक्ट हैरियट के जो जिस लड़की से इनने बाद में शादी करी थी हैरियट, उसके पहले पति ने खुद ने सुसाइड किया हुआ था बिकॉज ये काफी पजेसिव थी। इनफैक्ट इसको बच्चे बिच कहते थे, बिच मतलब बिच तो पता ही है आपको, तो वो कहते थे। जिसके बाद फ्रस्ट्रेशन में आके एक दिन जेसी लिवरमोर के ट्रेड्स इतने बेकार जा रहे थे कि ही फाइनली हैड टू बिकम बैंक्रप्ट। और अगले दिन फोटो वाला सीन होता है जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि बॉस मैं वैसे भी लंबी छुट्टी पे जाने वाला हूँ। और डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन में आके अगले दिन जेसी लिवरमोर एक होटल में बैठ के अपने आप को गोली मार देते हैं। वेल दोस्तों, आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी, किस प्रकार से एक बंदा नीचे से ऊपर उठा, किस प्रकार से एक बंदा 2-3 बार बैंकरप्ट हुआ, किस प्रकार से जब आपकी ओवरऑल लाइफ पूरी तरीके से अगर उसकी लगी पड़ी रहती है तो आपकी ट्रेडिंग की भी हालत की बैंड बच जाती है। और इसी चक्कर में एक लेजेंड इस दुनिया में नहीं रहा। वेल आप लोगों को एक फन फैक्ट बता देता हूं कि जेसी लिवरमोर की आई थिंक पोती या कोई है, उसको आप में से काफी सारे लड़कों ने देखा होगा। यू नो इफ यू नो, अगर आप समझ गए हो तो कमेंट्स में बताना, आपका जीके टेस्ट कर रहा हूँ। बट आशा करता हूँ आज की इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिला तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने ना भूलें। एंड डिस्क्रिप्शन में मैंने P2P का एक बहुत बढ़िया विकल्प का लिंक दिया है, जाके चेकआउट जरूर कीजिएगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।